नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इस बार ओल्ड बॉय बिल्डिंग में वकीलों के शराब पार्टी करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद यूनिवर्सिटी में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी मिलने पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। क्या है पूरा मामला, देखिए आज की इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ बार एसोसिएशन के चुनाव से पहले वकीलों ने एक पार्टी आयोजित किया। ये पार्टी ओल्ड बॉय बिल्डिंग में आयोजित की गई। इस पार्टी के दौरान खुलेआम शराब परोसी गई। वहीं ये पार्टी चल ही रही थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र आ गए और उन्होंने वकीलों को यूनिवर्सिटी कैंपस में शराब पीते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इस बात की जानकारी जैसे ही एएमयू के छात्रों को हुई तो भारी तादाद में इकट्ठा होकर ओल्ड बॉयज लॉज पहुंच गए, जिसके बाद छात्रों ने जमकर हंगामा किया। साथ ही घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं एएमयू के छात्रों का कहना था कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर का मामला है। आज तक के इतिहास में कैंपस में किसी भी शख्स ने शराब नहीं पिया है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन मामले की जांच में जुट गया है। छात्रों ने इस संबंध में पुलिस में भी शिकायत की है। वीवी प्रशासन जांच कर रही है कि वकील कैसे यूनिवर्सिटी कैंपस में घुस गए और यहां पर इन्होंने शराब पार्टी का आयोजन किया। पुलिस भी वीडियो के जरिए वकीलों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। किसी यूनिवर्सिटी के अंदर शराब का सेवन बहुत ही घटिया हरकत है। जिस तरीके से विद्या के मंदिर में शराब का सेवन किया जा रहा है, ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, और वो भी उस यूनिवर्सिटी में जो कि मुसलमानों के लिए काफ़ी अहम है। आधी से ज़्यादा मुस्लिम आबादी चाहती है कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान में पढ़े। मुस्लिमों की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से ऐसी घटना सामने आई है, जबकि मुस्लिम समाज में शराब पीना हराम है। फिर क्यों यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर, चांसलर और पूरे प्रशासन के होते हुए इन वकीलों ने कैसे दारू पार्टी कर ली। इस घटना से यूनिवर्सिटी प्रशासन की लापरवाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि मुस्लिमों के नेता खुद को मुसलमानों का मसीहा बताने वाले ओवैसी तो बहुत फतवा जारी करते हैं, लेकिन जब एएमयू से शराब पीने की घटना सामने आई तो इसमें उन्होंने चुप्पी साध ली। इस पर ओवैसी ट्वीट नहीं खेलेंगे, क्योंकि अब ओवैसी की जुबान सिल गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।